नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रतिज्ञा, और चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में बाबा महाकाल की सवारी निकलने वाली है। तो आपको उज्जैन से बड़ी खबर बता देते हैं। उज्जैन से थोड़ी ही देर में निकलेगी बाबा महाकाल की सवारी और सावन के पहले सोमवार पर ये सवारी निकलने वाली है। इस साल आपको बता दें कि 7 बार नगर भ्रमण करेंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। तो सावन में 5 सोमवारी है, तो 5 सोमवार को और 2 दिन भादों में बाबा महाकाल जो है वो उज्जैन नगरी में उनकी सवारी निकलेगी और उज्जैन नगरी के भ्रमण पर निकलेंगे। और थोड़ी ही देर में बाबा की ये पहली सवारी इस साल निकलने वाली है। सावन के पहले सोमवार पर ये सवारी निकलने वाली है और इस साल 7 बार नगर भ्रमण करेंगे, 5 बार सावन में और 2 बार भादों के महीने में। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। सुबह से ही महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है मंदिर में, और अब जब बाबा खुद नगर भ्रमण पर निकलेंगे तो पूरे नगर में बाबा के भक्तों का तांता लगा होगा और भीड़ जो है वहां पर पहुंचेगी बाबा के एक दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से राजा अपने नगर भ्रमण पर निकलते हैं, ठीक उसी तरह सावन के महीने में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। और थोड़ी ही देर में बाबा महाकाल की सवारी अब उज्जैन मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण करने जाएगी। सावन के पहले सोमवार पर यह सवारी निकल रही है आज, और हमारे सहयोगी उज्जैन में मौजूद है। अंजलि और संतोष कृष्णानी दोनों ही उज्जैन में मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे ही देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं। अंजलि, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि सावन की शुरुआत हो गई है, पहला सोमवार भी आज ही है। भक्तों की भीड़ आपने दिखाई, उनसे बातचीत की, अब वो पालकी दिखाइए, जरा वो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से रथ यात्रा निकालने के लिए, शाही सवारी निकालने के लिए तैयारी की गई है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि देखिए जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। शिव भक्त पलक पावड़े बिछाए जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि बाबा महाकाल कब पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे, तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि वो पल अब आ गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितनी भीड़ नजर आ रही है, खचाखच भरा है। ये मुख्य द्वार है, इस वक्त मैं बाबा महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद हूँ और ये मुख्य द्वार है, और ये यही द्वार है जिसको लाल कालीन के साथ सजाया गया है क्योंकि यहाँ पर राजाधिराज बाबा महाकाल पालकी पर सवार होकर यहाँ पर नगर भ्रमण करने के लिए निकलेंगे, और वो निकल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बेहद खास ये मौका है, जैसा कि आप बता रही थी कि 7 बार इस बार नगर भ्रमण करेंगे, लेकिन अपने आप में ये इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि ये पहला सोमवार है। पहली बार बाबा महाकाल अपने सुंदर स्वरूप के साथ चांदी की पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से तोपों की सलामी दी जा रही है। यहाँ पर आप भी आवाजें सुन पा रही होंगी क्योंकि देखिए बाबा महाकाल की सवारी पीछे है, लेकिन आगे चलने लगे हैं, उन्होंने तोपों की सलामी दी है। इसके आगे की भी क्या कुछ क्रिया रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। आपको बता दूं चांदी की ये पालकी है और इससे ठीक पहले बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया, उनकी आरती की गई, विधि विधान से तमाम पूजा की गई और उसके बाद उनसे आज्ञा मांगी गई कि वो आज्ञा दे, नगर भ्रमण पर निकलने की आज्ञा दे, और उसके बाद नज़ारा कुछ इस तरीके का आपको नजर आ रहा होगा। आप तस्वीरें देखिए, खच भरा ये मार्ग आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस कर्मी भी वहां पर है, और जो इन्होंने रस्सी पकड़ रखी है वो भी मैं आपको बता दूं, वो रस्सी सुरक्षा की व्यवस्था से बनाई गई है, एक घेरा बनाया गया है कि यहां पर सुरक्षा भी बराबर बनी रहे, और उसके लिए भारी सुरक्षा बल तैनात है। पहले से ही ये जानकारी हम देते आए अपने दर्शकों को कि तकरीबन 2000 पुलिस कर्मी इस यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के भक्तों के साथ रहेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई आपदा ना आए। और देखिए आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से डमरू बजाए जा रहे हैं, डमरू जो बाबा महाकाल के अति प्रिय माना जाता है और उसी को बजाया जा रहा है, डमरू की धुन चल रही है, तोपों की आवाजें आपको सुनाई दी जा रही होगी और पीछे पीछे हो चले हैं बाबा महाकाल। तो देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे एक मान्यता रही है, सम्राट विक्रमादित्य के राज से ही, उनके काल से ही इस तरीके की यात्रा निकलती आई है, और उसके बाद कहा जाता है कि सिंधिया पंच ने इसको सावन में निकालना शुरू किया था, वो जो शुरू किया था इसका एक इतिहास रहा है। लेकिन बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, डमरू की ताल पर
वहां पर भक्त झूमते हुए भी नजर आ रहे होंगे। खचाखच भरी आप देख पा रहे होंगे कि छत्र भी बनाया गया है और ये चांदी की पालकी है जिस पर सवार है बाबा महाकाल का एक अत्यंत खूबसूरत स्वरूप। वो अगर स्वरूप नजर आने वाला है कुछ ही देर में नजर आएगा, क्योंकि मैं कुछ दूर मौजूद हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि मैं दिखा पाऊँ अपने दर्शकों को कि किस तरीके से खचाखच ये मार्ग भरा हुआ है, किस तरीके से भक्ति में लीन है, फिर चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर बाबा महाकाल के भक्त। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से पालकी को सजाया गया है, फूलों से सजावट की गई है। इससे पहले भी गंध फूल से सजावट की जाती है, बाबा महाकाल का दरबार सजाया जाता है और अब ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी जहां पर बाबा का जो छत्र है, बाबा की जो पालकी है, उन्हें खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। इस पालकी को भी खास तरीके से तैयार किया जाता है प्रतिज्ञा, और कितनी खासियत ये पालकी अपने आप में रखती है ये इसकी खूबसूरती बता रही है। और देखिए, आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर बैरागी भी नजर आ रहे होंगे, आपको डमरू बजा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा डमरू जो कि भगवान शिव का अति प्रिय है, उसी की धुन यहाँ पर देते हुए ये पावन डमरू की धुन पर झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। धोती कुर्ता पहने हो चले हैं बाबा महाकाल के भक्त सवार इस यात्रा में। और देखिए, आपको पालकी दिख रही होगी, पालकी को संभाला हुआ है अपने कंधों पर शिव भक्तों ने और उनको लगातार आगे लाया जा रहा है। अगर मैं इस मार्ग की बात करूं तो इस पूरे मार्ग से होते हुए बाबा महाकाल ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए यहां पर पहुंचेंगे। और मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि नगर भ्रमण पर आज अपने प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल की पालकी निकल चुकी है। ठीक 4 बजे ये पालकी का रवानगी का समय था और पालकी बिना किसी देरी के यात्रा शुरू कर चुकी है। और इस पालकी में विराजमान है बाबा महाकाल का बेहद सुंदर स्वरूप, जिसका खास तौर पर श्रृंगार किया जाता है। और आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे, वहां पर पुलिसकर्मी व्यवस्था को बनाते हुए वहां पर विसल लेकर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा भक्तगणों को ना हो। और ये पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था कि तकरीबन हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर पहुंचेंगे और उसी तरीके से व्यवस्था भी बिठाई गई है। और अच्छी बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है, उज्जैनवासी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सवारी निकाली जाती है। और आपको तस्वीरें दिखा दूं, धीरे धीरे पालकी आगे बढ़ती आ रही है और इस पालकी में सवार है बाबा महाकाल का सुंदर सा स्वरूप। छत्र भी आपको नजर आ रहा होगा, फूलों से सजाया गया है, हर तरीके के फूल आपको उसमें नजर आएंगे, गुलाब और मोगरा। बिल्कुल अंजलि, तो आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी भी उज्जैन में मौजूद है। कहां पर मौजूद है संतोष आप, क्या कुछ माहौल वहां पर, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइएगा और बताइएगा कि कितनी भीड़ वहां पर, लोगों में कितना उत्साह है। बिल्कुल, उत्साह तो इतना है कि सड़कों के दोनों तरफ श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं कि कब राजा धीराज हमारे बीच में आए हैं। और एक ही आवाज है, किसका इंतजार है? श्रद्धालु है, अपने राजाधिराज का इंतजार कर रहे हैं और राजाधिराज के लिए पूरी सड़कों पर रंगारंग रंगोलियां बनाई गई है, 7 रंगों से डिजाइन किया गया है पूरे सड़कों को और एक अलग ही छवि, क्योंकि राजाधिराज आज नगर भ्रमण पर निकले हैं। तो क्यों ना हम हमारे जिस प्रकार घर को सजाते हैं वैसे ही उज्जैन की सड़कों को सजाया गया है 7 रंगों से अलग अलग प्रकार, दोनों तरफ श्रद्धा के साथ आज। संतोष, यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और सभी पलके बिछाए अपने महाराज का, अपने राजा का, बाबा महाकाल का इंतजार कर रहे हैं। संतोष, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर पालकी को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ठीक है संतोष, आपके पास वापस आएंगे। अंजलि हमारे साथ मौजूद है और लगातार वो पालकी दिखा रही हैं जो बाबा महाकाल की पालकी चांदी से बनकर तैयार की गई है और इसमें बाबा महाकाल के सुंदर से स्वरूप को रखा गया है। अंजलि, एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाइए, किस तरह भक्तों की भीड़ वहां पर है और डमरू की थाप पर किस तरह भक्त भक्ति भाव से यहाँ पर नाच रहे हैं।
बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए जब तक आप संतोष जी से बात कर रही थी तब तक पालकी यहाँ से तो रवाना हो गई, रस्सी का घेरा बनाया गया है और आप देख पा रही होंगी कि पालकी जो है वो आगे पहुंच गई है, आगे पहुंच गई और वहीं पर पुलिसकर्मी बाबा महाकाल को सलामी देने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आपको, वो तस्वीरें बस कुछ ही पल में आप सब देख सकेंगे और बाबा का बेहद सुंदर स्वरूप जो है वो देखने को मिला, पालकी के अंदर बाबा का बेहद सुंदर स्वरूप जो था वो नजर आया और ये वही स्वरूप है जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई, भक्तगण की आंखें तरस गई। और देखिए वहां पर आपको पुलिस बैंड 32वीं वाहिनी विस बल उज्जैन, वो वाला बटालियन आपको नजर आ रहा होगा दूर, जो हो लिया है बाबा महाकाल की पालकी के ठीक पहले, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई है, ये वो लोग हैं जिनको साइड में रखा गया है, यहीं से इनको यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और आगे तमाम भक्तगण जो है, भजन मंडली जो है वो शामिल हो सकेंगी। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बाबा के स्वरूप की बस एक झलक पाने को बेकरार यहाँ पर ये भीड़ उमड़ पड़ी है, बाबा महाकाल के भक्तों की बेहद खूबसूरत ये तस्वीर नजर आ रही है और रस्सी के बीच व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस तैनात है, साथ ही साथ QRF भी तैनात है और तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जनता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस यात्रा का आगाज हो चुका है। बाबा महाकाल की पालकी आप देख पा रही होंगी, बिल्कुल अंजलि आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। लेकिन इसी बीच CM डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की सवारी पर कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। सावन का महीना और सोमवार का दिन बाबा महाकाल अपने धाम से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, माँ छिपरा के किनारे से लेकर के धूमधाम से पूरे नगर में जब सवारी निकलती है तो वो सवारी का उत्साह उमंग देखते बनता, देश तो क्या दुनिया से लोग इस सवारी का दर्शन करने के लिए अपनी मन की मनोकामना लिए नगर में भी आते हैं, जो जहाँ से हो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से बाबा को नमन करते हैं। भक्ति भावना का ये उत्साह उमंग का एक सागर उमड़ता है, ऐसे में बाबा महाकाल की प्रथम सवारी पे मैं आप सबको बाबा की ओर से, खासकर हमने प्रबंध किए हैं कि बाबा की सवारी की जो व्यवस्था की जाए उसमें और चार चांद लगे आनंद आए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहनों ने कहा है कि क्रमशः जिले से हम भी शामिल होंगे, इस वर्ष हमारे धार झाबुआ तरक के दल ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्रमशः ये और क्रम बढ़ता जाएगा। मैं अपनी ओर से सभी मित्रों को, बाबा के श्रद्धालुओं को भावना व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बाबा कृपा हम सब पे करे। मध्यप्रदेश शासन के मंत्रीगण भी उसमें शामिल होंगे, आज हमारे मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, मेरी अपनी ओर से मां प्रतिनिधि के नाते शामिल हुए हैं। मेरी अपनी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बाबा की सवारी का पूरा गरिमा के साथ, उत्साह उमंग के साथ स्वागत भी करें और हम सब उसमें भागीदार बने। जय श्री महाकाल, बाबा हम सब पे कृपा करें। तो देखिए CM ने भी यहाँ पर सावन की शुभकामनाएं दे दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ये नगर यात्रा है भगवान भोलेनाथ की, इसको सुगम बनाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, आपको हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी के पास लिए चलते हैं, उनके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वहां पर, क्योंकि अभी जय घोष आप सुना रहे थे, बाबा महाकाल के जयकारे जो है वो भक्त लगातार लगा रहे हैं और पलक के बिछाकर यहां पर बाबा का इंतजार कर रहे हैं। संतोष, बिल्कुल भक्त इंतजार कर रहे हैं कब राजा धीराज हमें दर्शन देंगे और चांदी की पालकी के पहले पुलिस बैंड के द्वारा एक सलामी दी जाती है, पुलिस बैंड के द्वारा धुन बजाई जाती है, वो सशस्त्र बल के द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी गई और उसके बाद चांदी की पालकी के सवार के आगे आगे पुलिस बैंड सशस्त्र बल बाबा महाकाल के आगे कदम से कदम ताल मिलाते हुए यहाँ पर जा रहा है। क्योंकि पूरे नगर पर जिस प्रकार राजा देराज शाही थाट बाट से निकले हैं और शाही थाट बाट के साथ कहीं ना कहीं पुलिस बैंड के द्वारा जो धुन बजाई जाती है, अलग अलग भजनों की प्रस्तुति दी जाती है, उसी का मनोहारिक दृश्य दिखाई देता है। क्योंकि राजा धीराज के लिए ये तैयारी करते हैं कि राजा धीराज को कब हम भजनों के माध्यम से धुन सुना सकें और बाबा की शने शने जो पालकी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, भक्तों के बीच में पहुंच रही है और पालकी
जय महाकाल की दोनों तरफ ही श्रद्धालुओं का जो गूंज है वो सुनाई देगा। आप देखते हैं सड़कों पर पहले सन्नाटा सा पसरा था और ये भक्त आगे चलते जाइए बिल्कुल भी ना करें हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है तुलसी सिलावट जी है वो भी हमारे साथ है, कहीं ना कहीं उनसे भी बात करते हैं। सर राजाधिराज आज नगर भ्रमण पर महाकाल के चरणों में नमन करता हूँ। सावन की प्रथम महाकाल निकले दर्शन देने, उनसे प्रार्थना है कि वो ऐसे आशीष और मध्य प्रदेश के विकास और प्रति में मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से स्वागत अभिनंदन सबको बुलाई मंडली हमारे तुलसी जी सिलावट जी का भी हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करती है। मुख्यमंत्री जी ने गांव में मुख्यमंत्री की तरफ से ही आया, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मंत्री तुलसी सिलावट जी आया और एक उत्साह का माहौल है, कहीं ना कहीं पूरे प्रजा के साथ महापौर देख सकते हैं, महापौर भी आए हैं। तो देखिए उज्जैन के महापौर भी पहुंचे हुए हैं, तुलसी सिलावट जो कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो पहुंचेंगे सरकार की तरफ से, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। ये महाकाल क्या कहेंगे राजा धीराज, ये राजा धीराज भगवान महाकाल नगर को अपने दर्शन देने पधारे हैं और पूरा उज्जैन शिव में हो गया। आप देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में आस पास उज्जैन के श्रद्धालु आए, हमने भगवान महाकाल के दर्शन करे और बाबा से प्रार्थना करते हैं प्रभु की असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और हमारे शहर कांग्रेस एक उत्साह का माहौल है। उत्साह के साथ राजा धीराज नगर भ्रमण पर निकले और शिवमय नगर हो चुका है और ये मान मंदिर बजाकर बाबा महाकाल के जो भक्त है वो आला चल रहे हैं और राजा धीराज चांदी की ताल की पीछे भक्त जान मंजीरे का उत्साह है। उत्साह के साथ यहाँ पर जान मंजीरे भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि छवि बटोर से राजा धीराज चांदी की पालकी हम दिखाते हैं जो अद्भुत तरीके से राजा धीराज की पालकी को सजाया सवारा गया है। सजाने के साथ एक अलग अलग जगह का माहौल है, उत्साह के साथ आनंद कि भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। अंजलि हमारी सहयोगी वो भी तस्वीरें लगातार दिखा रही है। अंजलि क्या कुछ माहौल है जहां पर आप मौजूद हैं और जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है और महाकाल के जयकारे लगा रहे हैं भक्त, ऐसे में पूरा जो उज्जैन है वो भक्तिमय हो चुका है। जी बिल्कुल भक्तिमय हो चुका है क्योंकि अभी अभी यहाँ से यात्रा बाबा महाकाल की गुजरी है और यहाँ पर आपको लोग कुछ चुनते हुए बिनते हुए नजर आ रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो चावल के दाने बरसाए गए बाबा महाकाल पे उनको चुग रहे हैं, उनको किसी तरीके से ले जाना चाहते हैं। भक्ति का ये स्वरूप देखिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चावल बीन रहा हूँ। इन चावल से क्या करेंगे ये मंदिर में घर? ठीक है अंजलि, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। संतोष कृष्णानी का रुख करना चाहूंगी। संतोष पालकी आप तक पहुंच गई है, वहां पर जो भक्त मौजूद है वो पालकी के दर्शन करने के लिए, अब वहां पर क्या कुछ माहौल है क्योंकि पालकी वहां पहुंच चुकी है। कितने सालों से उठा रहे हैं? कई सालों में, कई साल वर्षों से हमारे बुजुर्गों से उत्साह के साथ चांदी की पालकी के ठीक समय विस्तार न्यूज के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार। तो देखिए संतोष सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और पालकी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो महाकाल के भक्त पालकी को उठाकर लेकर जा रहे हैं वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनसे भी बातचीत की उन्होंने और उन्होंने कहा कि सालों से बाबा महाकाल इसी तरह नगर भ्रमण पर निकलते रहे हैं और इस बार भी देखिए बाबा महाकाल के सीधे दर्शन कर लीजिए आप। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से भले ही ये तस्वीर ब्लर हो गई हो लेकिन वो तस्वीर देखिए, इसमें आपको बाबा महाकाल नजर आ रहे होंगे महाराज के रूप में। हमारी सहयोगी अंजलि जहां पर मौजूद हैं वो बात कर रही थी, वहां पर जितने भी भक्तगण थे वो चावल चुन रहे थे, क्या महत्व है इसका और क्यों चुन रहे थे चावल? अंजलि आप उनसे बातचीत कर रही थी, क्या महत्व है इस चावल का, क्यों चुन रहे हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
उनका कहना है कि जो चावल बाबा महाकाल को छू चुके हैं वो चावल ले जाकर मंदिर में रख देंगे और उनकी पूजा करेंगे। ये अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं चाहूँगी यहाँ पे देखिए, आप देख पा रही होंगी कि ये बैरिकेड्स तो लगाए गए थे सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अब लोग अंदर आना चाहते हैं, अब अंदर पहुँच के बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्त मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। आप यहाँ पर बाबा की पालकी देखने आए थे, कुछ दर्शन हो सका? बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। थोड़ी भीड़म भार रही है पर अच्छे दर्शन हो गए। ठीक है, कैसा नजारा था, क्या अद्भुत था? फुल आनंद। जयकारे लगा दीजिए, बोलो महाकाल सरकार के जय। सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लेकिन भक्तों का उत्साह कम होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लगातार पहले भस्म आरती हुई, उसके बाद पूजा पाठ हुआ, विधि विधान से सब कुछ हुआ, आरती हुई, बाबा का श्रृंगार हुआ और अब तो सवारी निकल गई है। सवारी यहाँ से जाएगी शिप्रा नदी, वहाँ पर जलाभिषेक किया जाएगा, उसके बाद गोकुल मंदिर से होते हुए सवारी लौट जाएगी। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हैं, अपने प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं और प्रजा का भी प्यार देखते ही बनता है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल अंजलि, तो लगातार तस्वीरें अंजलि दिखा रही थी और जो चावल चुनने का महत्व अंजलि ने बताया कि सभी लोग उस चावल को चुनकर अपने घर में ले जाएंगे, अपने घर के मंदिर में रखेंगे और उसकी पूजा अर्चना करेंगे। और हमारे सहयोगी वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन कराए आपको कि किस तरह बाबा महाकाल जो है वो नगर भ्रमण पर निकले हैं। हर साल सावन के महीने में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि बाबा महाकाल को महाराज कहा जाता है, उज्जैन के महाराज हैं और राजा समय समय पर अपनी प्रजा का हालचाल लेते रहते हैं और बाबा महाकाल भी इसीलिए जो है नगर भ्रमण पर निकलते हैं कि अपनी प्रजा का हाल जान सके। तो सीधी तस्वीरें वहां से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको, लगातार अंजलि ने पहले तस्वीरें दिखाई, फिर संतोष कृष्णानी ने। अगर बात कर ले बाबा महाकाल के स्वरूप की, तो राजा के स्वरूप में बाबा महाकाल को आज सजाया गया है और चांदी की पालकी जो है उसमें बाबा महाकाल को बिठाकर और पूरे नगर का भ्रमण कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल सावन जो है वो बेहद ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि सावन की शुरुआत सोमवार के दिन हुई है और सावन समाप्त भी सोमवार के दिन ही होगा। आज 22 जुलाई को सावन की शुरुआत हुई और 19 अगस्त को सावन की समाप्ति हो जाएगी। और लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको, उज्जैन से लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बाबा महाकाल की जो है वो पालकी निकली हुई है नगर भ्रमण पर। अब उज्जैन से तो तस्वीरें दिखा ही रहे हैं लेकिन इंदौर से भी खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी जो भोले बाबा हैं वो निकल चुके हैं नगर भ्रमण पर, रथ यात्रा जो है वो निकल चुकी है बाबा की। और किस तरह से जो भक्तों की भीड़ वहां पर लगी है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और वहां पर भी आपको बता दें कि लगातार जो है हर साल ऐसे ही बाबा की रथ यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है और खासकर ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा के लिए जो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और भोले बाबा जो है बेहद खुश हो जाते हैं अगर सावन के महीने में आप उनसे उनका पूजन अर्चन करें, उनके दर्शन करने जाएं, जलाभिषेक करें। और सावन के महत्व के बारे में आपको मैं बता रही थी, इंदौर से भी तस्वीरें दिखाऊंगी आपको, उज्जैन की ये तस्वीर दिखा रही हूँ। और सावन के महत्व की अगर बात कर ले इस बार की तो बेहद खास है। तो हमारे सहयोगी पुनित विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। पुनित, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उज्जैन की तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखा दी है कि किस तरह बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं। ओंकारेश्वर में भी अब ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, वहां पर भी जो भोले बाबा हैं वो अब नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं। पुनित, तो किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से पुनित हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, थोड़ी देर में उनका रुख करेंगे। लेकिन उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरह उज्जैन में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर हर जगह उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर बाबा की जो पालकी है वो जाएगी, वहां पर भक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी पुनित विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन सुबह से ही हमने आपको कराए, वहां की तस्वीरें भी दिखाए। अब आपको सीधे आपको इंदौर भी लेकर चलेंगे लेकिन उज्जैन लेकर चलते हैं। संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास, क्या कुछ खास?
संतोष के पास चलेंगे और क्या तस्वीरें हैं वो भी देखेंगे जानेंगे, लेकिन आपको इंदौर लिए चलते हैं जहां पर पुनित विजयवर्गीय हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां पर ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। पुनित, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर और क्या कुछ माहौल? जी देखिए, बाबा ओंकारेश्वर की पालकी निकल चुकी है और पहुंच चुकी है नर्मदा किनारे और यहाँ पर उनका जल अभिषेक किया जा रहा है। नर्मदा के जल से यह अभिषेक होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सावन का पहला सोमवार है, पहले सोमवार को पालकी यात्रा निकाली जाती है। नर्मदा किनारे पहुंचते हैं, यहाँ के अभिषेक होने के बाद नौका विहार करते हैं, नदी में भ्रमण करते हैं और ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव का मिलन होता है। दोनों साथ में नदी में भ्रमण भी करते हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं। 5 बजे से ये पालकी यात्रा शुरू होती है जो कि रात को 10 बजे वापस मंदिर पहुंचती है शयन आरती के साथ में। ये देख सकते हैं आप, मंदिर के ट्रस्टी, शाही परिवार के लोग और प्रशासन के लोग बैठकर इस पालकी यात्रा में अभी अभिषेक कर रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, भारी भीड़ मौजूद है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और यह वो पल होता है जो अपने आप में काफी खास होता है। साल भर इंतजार किया जाता है इस पालकी की यात्रा का और जब यह पल आता है तो श्रद्धालु काफी भावुक भी हो जाते हैं। गुलाल उड़ाई जाती है, प्रतिज्ञा देखिए यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो विशेषता है, गुलाल उड़ाई जाती है। गुलाल उड़ाकर खुशी मनाई जाती है और इस गुलाल के रंग से तो हम भी अछूते नहीं रहे। जितने लोग पालकी यात्रा में शामिल होते हैं वो सब गुलाल के रंगों से रंगे ही आपको अधिकतर नजर आएंगे। और ये अभी अभिषेक किया जा रहा है, इसको लेकर भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो विस्तार न्यूज़ के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो लगातार सुबह से ही हम बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाते आ रहे हैं और अब यह वो पल है जिसका सभी को तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन पुनित, साथ ही साथ आप इसके इतिहास के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से, कब से शुरुआत हुई नगर भ्रमण की और क्या कुछ मान्यता है इस नगर भ्रमण को लेकर। जी देखिए, प्रभु खुद अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। राजा मानदा तो देखिए, ओंकारेश्वर से हमारे सहयोगी पुनित विजयवर्गीय जुड़े हुए थे और सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे और मान्यताओं के बारे में बता रहे थे कि किस तरह यहां से बाबा को लेकर जाया जाता है और उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है। पहले नर्मदा के जल से स्नान कराया जाता है और यहाँ पर वही तस्वीरें वो दिखा रहे थे और यहाँ पर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर जो जो ज्योतिर्लिंग और लिंग है उनकी उनका मिलन कराया जाता है, उन्हें मिलाया जाता है और नर्मदा के जल से बाबा का स्नान कराया जा रहा था। ऐसी तस्वीरें उज्जैन से भी आपको दिखा रहे थे कि उज्जैन में किस तरह से लगातार जो नगर भ्रमण के लिए बाबा महाकाल निकल चुके हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। चांदी की पालकी में बैठे हुए बाबा महाकाल और नगर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी जो प्रजाजन है, जो भक्तजन है, उनको दर्शन दे रहे हैं, राजा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें उज्जैन और इंदौर से आपको दिखा रहे थे हमारे सहयोगी, तस्वीरें दिखा रहे थे। आपको जरा सा खास महत्व बता देते हैं इस बार के सावन की, क्योंकि लगातार बात हो रही है कि सावन का पहला सोमवार है और सावन का पहला दिन भी है आज। इस बार सावन में 5 सोमवार है और आपको बताएं कि उज्जैन में हर साल सोमवार जो सावन सोमवारी होती है और भादो के महीने में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इसीलिए आज पहली सोमवारी के दिन बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं और 5 दिन सावन के महीने में और 2 दिन भादो के महीने में बाबा महाकाल इसी तरह नगर भ्रमण पर निकलेंगे। और जो तस्वीरें आज हमने दिखाई आपको वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है उज्जैन से, क्योंकि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है और यहाँ से तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं।
नीलकंठाय शांभवे।